ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी शर्म नहीं आ रही इसे, घटिया। मामा अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। आप कहिए आप क्या कह रहे थे। बात क्या करनी है रोमान, बात करके क्या होगा, पुलिस को बुलाओ। मामा प्लीज प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिए। जी बोलिए। देखिए साहब, मुझे नहीं मालूम कि वो सामान मेरे सामान में कैसे आ गया। हाँ मैं ये जानता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। हर चोर यही कहता है। देखिए मैडम, मैंने हमेशा हक हलाल की कही है, आप मुझे गाली मत दीजिए। हक हलाल भाई, मैं तो इसकी एक्टिंग की फैन हो गई। कैसे फटाफट इसने मेरी लॉकर की चाबी का इंप्रेशन लिया है और डुप्लीकेट बनवा के पैसे मुझे ऐसे वापस किए हैं, जैसे एहसान किया है इसने मेरे ऊपर। घटिया आदमी, चोर। बेगम साहिबा, आप मेरे लिए जुबान इस्तेमाल मत कीजिए। करोगे इस्तेमाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, औकात क्या है तुम्हारी। मामा मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इनसे इस तरह बात कर रही हैं। अबान तुम इसका क्या साधु मैं इनका, तुमने इतनी खिदमत की है मेरी दिन रात सुबह शाम, और अगर कुछ चोरी कर भी लिया तो व्हाट्स द बिग डील। इंसान है, गलती हो जाती है, हो गई होगी इनसे गलती। इट्स ओके। छोड़ी पप्पू, लो भाई ये अच्छा है अपने ही घर में नौकरानी बनना। इन महारानियों को अपने फैशनों से फुर्सत मिले तो मेरा हाथ बटाए ना। नहीं नहीं छोटी पप्पू, वो हानिया गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी बस इसलिए, आप छोड़े मैं कर लेती हूँ। नहीं अब एहसान करने की कोई जरूरत नहीं, फिर मेरे बेटे के सामने जाके कहोगी सारा काम तो घर का मैं करती हूँ, छोटी पप्पू का इतना हाथ बटाती हूँ। तैयार कर रही थी स्कूल के इसलिए। हाँ वैसे काम करके कोई मेरे पे एहसान तो तुम करोगे नहीं, इतना तो हलाल किसी भी आदमी को करना ही पड़ता है। बना दो, देखना घी के सारे कनस्तर ना डाल के अपनी भूखियों का ठवा देना। जी छोटी पप्पू, फुल्कियां ही बनाऊंगी। आदिल के लिए पराठे बनाने हैं, वो फुल्कियां नहीं खाएगा। कमाल है जो कमा के लाया वो भी फुल्कियां खाएगा। जी। ये लो, पता नहीं फोहड़ कहीं की, अपने घर में भी यही करती होगी। नहीं क्या फालतू की बात नहीं करो मेरे साथ तुम। क्या बोला था मैंने, पैसों के बंदोबस्त का कहा था ना, वो हो गया। हाँ नहीं तो मैंने क्या कहा था, यही कहा था ना, मैं पैसे तब दूंगा जब तुम मुझे दोगे पेपर्स। हाँ साइन हुए वे। हाँ तो बस करो बंदोबस्त। नहीं मैं पहुंच रहा हूं अदालत।
कहती, इतना वक्त लगा दिया, टाइम देखो। वो बीबी जी बच्चे से बहुत बदर सा रहा था। ठीक है, जाओ काम कर लो। छोटी बीबी जी, आपसे एक बात कहनी है। क्या? वो हमीदुल्ला साहब जल्दी बोले ना, घर में वैसे ही बहुत परेशानी है। मैं भी बहुत परेशान हूँ रात से। गीती क्या गीती ने? ठीक है, आप जाइए। गुड़िया इतनी देर हो गई है, सबक याद किया है तुमने? अगर अंडा लेके आई ना फिर देखना। क्या देख क्या रही हो इसको? पियो इसको। मम्मी नहीं पीना। पियो, दो खींच के मारना। आनिया गुड़िया, बेटा वो आज आपको खुद स्कूल जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊंगा छोड़ने के लिए। बोलो बोलो, अम्मी छोड़ देंगी। कोई बात नहीं आदिल अंकल, अम्मी हमें स्कूल छोड़ देंगी। हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। इस घर से तो मेरा जनाजा ही जाएगा, इनसे कहां जान छुटनी है मेरी। जी बस करें, क्या हो गया? क्यों बच्चों को बार बार बात सुनाती रहती है? तो तुम क्यों मेरा कलेजा जलाते रहते हो? मेरा कसूर है, उनका कसूर तो नहीं है। नहीं नहीं, कसूर तो सारा मेरा है, जिसने इन्हें इस छत के नीचे रहने की जगह दी। मुझे क्या पता था मेरा ही घर लूटेंगी। गेती, गेती। जी बीबी जी, तुम रहमत बाबा के कमरे में गई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम रहमत बाबा के कमरे में गई थी? किस लिए? बोलो किस लिए? खबरदार जो तूने उन मस्कीन शक्लों के पीछे लग के उसको एक टका भी दिया शौकत को। क्या किया तुमने आदिल? क्या किया है? मैं पूछ रही हूँ क्या किया है? चलो ये ज्यादा ड्रामे ना कर, मुझे पता तूने इसे इस रस्ते पे लगाया होगा। यास्मीन ने कुछ भी नहीं किया। क्या? मैं बताती हूँ बीबी, शौकत ने तुझे तलाक देने के लिए पैसे मांगे हैं और इस कमबख्त ने। अम्मी जी बस कर दे, मैं तो बस क्या, खुदा के लिए मुझे जलील करना बंद करो। मत करो मुझ पे कोई एहसान। उस जलील इंसान के जुल्म क्या कम थे मुझ पे, जो तुम भी मुझे अपने एहसानों के लिए कुचल के मार देना चाहते हो। ये देखो मेरे हाथ, बस कर दो। मैंने तो जो कुछ किया बस आपके लिए किया। अब ठंड पड़ गई है,
अभी भी मुझे माफ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैम को पता चला ना नौकरी से निकाल देंगी, मुझ पे जुल्म ना करें। जुल्म? और जो तुमने शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा के उसको जलील और रुस्वा कर दिया है, वो एक बेकसूर इंसान के ऊपर इल्जाम लगा के तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आप समझ नहीं रही है, बहुत मजबूर थी। तुम्हें सिर्फ अपनी मजबूरियां दिखती है, दूसरे शख्स की कोई मजबूरी नहीं है। अगर गरीब ही गरीब का दुश्मन बन जाएगा तो अमीरों को जुल्म करने से कौन रोकेगा? मेरी बात सुने ना, वो असल में ना मुझे ना मुझे कुछ नहीं पता। अरे मुझे किसी ने करने को कहा था। बस बेगम साहिबा बस, आगे मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ देखो, मैंने आपको बता दिया मैं कुछ नहीं जानता, ये तो मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दे या पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन मेरे बाप दादा को गाली मत दीजिए। दूंगी, क्या कर लोगे? अरे मुझे क्या रोक रहे हो, इसको रोको ना। मुझे आप लोगों से बात करनी है। गेती इधर आओ। गेती? ओ, तो इस हरामखोर को भी मिला लिया इस चोर के बच्चे ने अपने साथ। आप गलत कर रही है, जाति कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जरूरत कैसे? बार बार मुझे गाली दे रही है। देखा तुमने रुमान, तुम्हारी बीवी को अभी भी उस नौकर की फिक्र है। मैं पहले ही कहती थी मुलाजमों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मुझे मारने आ रहा था रुमान, मुझ पे हाथ उठा, मैं मर क्यों नहीं गई। अरे मामा क्या हो गया आपको, ऐसी बातें मत करें। मैम वो पानी लाऊं आपके लिए? सर आपके लिए कॉफी चाय कुछ? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से पानी लेकर आइए। मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती। मां मुझे रिलैक्स प्लीज, मैं अभी देखता हूँ उसको। आप प्लीज प्लीज रिलैक्स करें। बाबा मैं जानती हूँ कि आपने चोरी नहीं की है। इसे क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो समझे कि मुझे तो अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन मैं रुमान को सब कुछ सच बता दूंगी। फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी उम्र भर मेहनत से कमाई हुई इज्जत एक पल में। आप मुझे एक मौका दें, मैं रोमान से एक दफा बात कर लूं। बेटे मैं यहाँ नहीं रुक सकता, देखिए बेइज्जती की भी एक हद होती है, एक बार पार हो जाए फिर इज्जत वापस नहीं दी जा सकती। सही कह रहे हैं, मैं नहीं रोकूंगी आपको यहाँ। जिस जगह पर आपकी इज्जत नहीं है, कदर नहीं है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी कि आप रुकें। राज घर में जो कुछ हुआ सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। नहीं बेटी, क्यों शर्मिंदा कर रही, क्यों शर्मिंदा कर रही? माशाल्लाह, आज तो हमारे घर के नसीब ही जाग गए। कौन तशरीफ लाया है? बहारो फूल। आप इनसे पैसे मांगे आपने? अरे
शिकायत लगा दी तुमसे, बड़ा मर्द का बच्चा बनता था, बिल्कुल ही बच्चा निकला। अम्मा से शिकायत लगा दी रोंदू ने, है? मेरे अबू जी की उम्र भर की कमाई खाकर मेरी बच्चियों को बेसहारा करके, पेट नहीं भरा आपका? भूख कैसे मिटेगी यास्मीन? तुम देखो, जब से तुम गई हो कसम से बुरा हाल हो गया। वो बड़ी वाली बच्ची तुम्हारे कद को आ गई है, होटल से खाना खाना पड़ता है, बहुत बुरा हाल। वापस आ जाओ, कसम से तंग नहीं करूंगा। शफल नहीं है मेरे। क्या बात है भाई, हैं? तलाक के बाद बड़ा कॉन्फिडेंट आ गया है, आवाज भी निकलने लग गई है। किसी और को फंसा लिया है क्या? अपनी बकवास बंद करें। ये जो कॉन्फिडेंट है ना, एक हाथ लगेगा सब रफा हो जाएगा। हाथ उठाएंगे मुझ पे, मारेंगे मुझे? हाथ उठा के तो दिखाएं। डरती नहीं थी मैं आपसे, इस घर के टूट जाने से डरती थी, अपनी बेटियों के रुल जाने से डरती थी। अब जब घर नहीं रहा तो डर भी नहीं रहा। क्या बात है तुम्हारी यास्मीन, क्या डायलॉग बोल रही हो। ड्रामों में काम करना शुरू कर दो, कसम से बहुत पैसे कमाओगी, वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। हैं, शर्म आती है मुझे सोच सोच के। कहना आती है कि मैंने जिंदगी के इतने साल इतने घटिया इंसान के साथ गुजार दिए। जरा पछतावा नहीं होता आपको? काय का पछतावा, मुफ्त का आइडिया दे रहा हूँ, कसम से ड्रामों में काम करने लग जाओ। रोती सूरत तो है, आंसू बहाती रहती हो। मुफ्त का बिजनेस आइडिया है, जैसे जैसे कमाई होगी ना, इंस्टॉलमेंट में मुझे पैसे देती रहना, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में तलाक के एक टका नहीं मिलेगा अब आपको मेरे नाम पे। तो फिर तलाक भी नहीं मिलेगी तुम्हें यास्मीन। वो तो आप दे चुके हैं, साबित करना रह गया, और वो भी मैं कर लूंगी। जाओ साबित करो अदालत में, मुकदमा लड़ो मेरे खिलाफ, मैं भी देखता हूँ कैसे लड़ती हो। लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी, डरती नहीं हूं मैं किसी से। छोड़े मुझे। अच्छी तरह जानता हूं तुझे भी और तेरे यार आदिल को भी, जिसके बल पर इतरा रही है। पर सहारे के नाम पर क्या हो रहा है वहां, ये भी अच्छी तरह जानता हूं। इसीलिए तलाक की रट लगाई हुई है ना तुमने, हैं? रहमत बाबा थे तो मेरे पैर दबाते थे, यहां तो सबके सब जालिम है। अब मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, मेरे पैर कौन दबाएगा? यहां पे सबके सब खुदगर्ज है, सब अपना सोचते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी ना, लेकिन मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, मेरे सर में बहुत दर्द है। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कैसे बात करूं, बहुत इंसल्ट हुई है मेरे। रहमत बाबा ने जो मामा के साथ किया अच्छा नहीं किया। लेकिन रुमान, मामा ने भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया रहमत बाबा के साथ।
मामा ने उनके साथ वही किया जो वो डिजर्व करते थे। वो ये डिजर्व नहीं करते थे, यही बात तो बताना चाह रही हूँ मैं सुबह से। चोरी रहमत बाबा ने नहीं की है। अच्छा, तो फिर किसने की है चोरी? चोरी गेती ने की है। कम ऑन प्लीज, प्लीज ये नया ड्रामा मत शुरू करो। पहले ही तुम्हारी बातों में आकर मैंने रहमत बाबा को अपने सर पर बिठा लिया था और उसका नतीजा मैं भुगत रहा। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा आसमान। रोमान, तुम क्या जताना चाह रहे हो? यही जताना चाह रहा हूँ कि अब तुम इस घर में आ गई हो ना, तो प्लीज सेल्फ पिटी से बाहर आ जाओ। खुद को मजलूम साबित करना, बाकियों को जालिम साबित करना छोड़ दो। मैं तुम्हें यहाँ कोई रेवोल्यूशन लाने के लिए नहीं लाया हूँ आसमान। तो फिर किस लिए लाए हो? मैं बहस नहीं करना चाहता, छोड़ दो इस बात को। नहीं, जब बात शुरू कर दी है तो फिर खत्म भी करो ना। अच्छा, तो फिर सुन लो, तुम्हें भाई का ख्याल रखने में तकलीफ है ना? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम उनकी खिदमत कर रही हो, इसलिए तुम रहमत बाबा को बचा रही हो और सारा इल्जाम गेती पर लगा रही हो। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। अस्मा, अस्मा याद, तुम क्यों एक बात के पीछे पड़ गई हो? मेरे बोले हुए लफ्ज को बार बार दोहराने से क्या साबित क्या करना चाह रही हो कि मैं बहुत बुरा शौहर? प्लीज मत करो ऐसे। देखो, अगर मेरी प्रेजेंस तुम्हें इरिटेट कर रही है ना, तो जाओ तुम जाके रूम में सो जाओ, मैं यहीं पे सो जाऊंगा, कर लूंगा कुछ। क्या बात है, यहां पर क्यों बैठे हो दोनों, सोए नहीं अब तक? नहीं, बस बाबा अंदर ही जा रहे थे, बात कर रहे थे। आज घर में जितना हंगामा हुआ है उसके बाद तो मेरा सर भी चकरा रहा है। कुछ कह रही थी तुम गेती के बारे में। कुछ नहीं कहना था मुझे, गलतफहमी हो गई थी। इसे क्या हुआ? इसको अपसेट है थोड़ी सी अपने घर के मामले में, तो इस वजह से। ठीक हो जाएगी, मैं बात करता हूँ उससे। गुड नाइट। तुम्हारी नींद तो अभी से ही उड़ गई इसमें, अभी तो शुरुआत है। तुम क्या करना चाह रहे हो आखिर? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? आप भी जानती हैं मैं क्या चाहता हूं। जब तक तुम मेरा साथ दे रहे थे ना आदिल, खामोश थी। अगर अब बात कुछ और है, जो पहले नहीं हुआ ना अब भी नहीं होगा। कौन रोक रहा है आप? कौन रोक रहा है? ये अदालत या मजहब? अरे मजहब आपको इजाजत देता है इस बात की, चाहे ना चाहे आप, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई चाहे या ना चाहे, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती है? क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि दो बेटियां हैं मेरी, डिवोर्स हुई अभी मुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पड़ता है मुझे फर्क। लोग क्या कहेंगे, किस तरह की बातें करेंगे, किस नजर से देखेंगे मुझे? ये लोग और ये माशरा कहाँ थे जब वो शख्स आपको जलील करता था? मुझे नहीं पता, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मर्द क्या करता है। भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ना मुझे।
सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्क पड़ेगा, जानते हो क्यों? औरत हो ना इसलिए। आप अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचें। क्या आप नहीं चाहती उनके सर पे बाप का साया? नहीं चाहती आप कि उनकी मोहब्बत की कदर करने वाला हो कोई? फिर मुझे एक मर्द का मोहताज करना चाहते हो आदम? एक मर्द की उछाली भी कीचड़ भी मेरे लिए जहर है, और दूसरे मर्द की भी मोहब्बत भी। खुदा के लिए मेरे पे रहम करो। मैं सिर्फ आपकी लड़ाई में आपका साथ देना चाहता हूँ। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है आपकी। इस लड़ाई में कोई भी मेरा साथ देगा ना तो इल्जाम मुझ पर आएगा। वो मेरा साथ देना चाहते हो ना? बोलो, देना चाहते हो ना मेरा साथ? हाँ तो मैं मेरा साथ देने के लिए मेरा साथ छोड़ना होगा। ये मेरी कमजोरी ना बनो। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं। उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा? कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियां, कहां थे और हम आ गए हैं कहां। कहां खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां, जालिम जहां। कहां खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां। अच्छी फ्रेश उठी आज सुबह। तुम दोनों ठीक रहे? जी बिल्कुल ठीक रहे। जी जूस। अब आन सर को नाश्ता दिया जी। वो जी क्या, किसी को तो ख्याल रखना है ना उसका। आउट। और आसमा तुम परेशान मत। हो जाएगा सब ठीक, हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मेरा गिफ्ट तुम दोनों के लिए। ट्रैवल एजेंट जो लिफाफा लाया वो लेकर आओ। ट्रैवल एजेंट, कहीं जा रही हैं मामा? गुड, तुमने मेरा सरप्राइज खराब नहीं किया। ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से हनीमून के टिकट्स और रिजॉर्ट।
मेरी तरफ से। मामा, आपने ऐसे ही आपने तकल्लुफ किया, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं थी। बच्चे नहीं हूं मैं, देख सकती हूं कि तुम दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है। कोई बात नहीं, रोमांस का हिस्सा है। लेकिन कुछ दिन के लिए झगड़ा वगड़ा भूल जाओ और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। जाओ। थैंक यू सो मच मामा। This means a lot to me. Thank you. लेकिन हम मामा आबान भाई का कौन ख्याल रखे? उसकी फिक्र मत करो, कुछ दिन की तो बात है, गेती देख लेगी, है ना गेती? कभी कभार तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा मुझसे। आउट बेवकूफ। कोई बात नहीं, मैं कुछ इंतजाम कर लूं। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। मुझे नहीं जाना। अब मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह जानती हूँ। मान भाई का ख्याल मैं रख लूंगी। थैंक यू अस्मा, थैंक यू। मेरी वजह से तुमने हनीमून कैंसिल कर दिया ना, अब इसको मैं तुम्हारी अजमत समझूं या कोई और बात, क्या समझूं? कितने सुकून से जिंदगी गुजर रही थी ना तुम्हारी। मुझे मुलाजिम मिला हुआ था, अब वो चोर था या नहीं उसका मेरा ख्याल तो रखता था ना। अरे अहमक शोहर ने उसको निकालते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि सारी जिम्मेदारी तुम पे आन पड़ेगी। एक बात तो है, तुम्हारे शोहर को कदर नहीं है तुम्हारी। मैं बहुत कदर करता हूं तुम्हारी, चाहने लगा हूं तुम्हें। बात हो गई है मुझे तुमसे, काश अपने दोनों हाथ जोड़ के मैं तुमसे इस मोहब्बत की भीख मांग सकता। काश भीख में खैरात मिलती है, मोहब्बत नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, उल्टी सी हो रही है।
सुहा को क्या हुआ मामा? बहाना बना रही है तो ठीक है, दुआ करो वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। ये टेस्ट के रिजल्ट्स पहले मैं देखूंगी, आप रोमांच से कोई बात ना कीजिएगा। मत लगाए मुझे। तुम इल्जाम किस पर लगा रही हो? एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो, इस घर में तुम मेरी वजह से हो। वो बिल्कुल ठीक कहती थी, बहुत मुख्तलिफ है यहाँ के लोग और उनसे मुख्तलिफ है उनकी कहानी। वक्त लगेगा, समझ जाएगी। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली।